डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के उड़ के उड़नी वादियां। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का ये है दूसरा व्लॉग और आज मैं आ रखा हूँ पहाड़ी बागने में। सो गाइस, ये है व्यू, चेक करो। अभी टाइम हो चुका है 11:30 और इसी के साथ कितनी अच्छी सुबह हो रखी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू, चेक करो। मैं एक्चुअली अभी यहाँ पे गाड़ी धोने आया था। यहाँ पे एक्चुअली वाटरफॉल है जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये वाटरफॉल जो है, ये बारिशों में इतना वाटर, इतना पानी आता है कि नीचे पूरा पानी बहता हुआ। सो गाइज, ये है व्यू। मस्त अभी धूप खिल रखी है और मैं अभी गाड़ी लेके ऊपर आ रखा हूँ। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी शांति है, मतलब कितनी शांति है। और यहाँ पे आपको हर जगह वही चीड़ के पेड़ दिखाई देंगे। और अभी मैं नीचे जाऊँगा, ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगा, थोड़ा लेट उठा था। और इस साथ पापा भी काम कर रहे हैं घर का। अभी मैं ब्लॉग बनाऊँगा, टाइम नहीं मिल पाया कल मुझे, तो मैं इसका ब्लॉग बनाऊँगा घर का भी। तो इसी के साथ अभी हम चलेंगे नीचे, आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे कितनी शांति है, मतलब कहीं भी गाड़ी खड़ी करो, कहीं भी गाने बजाओ। मैं तो अभी गाने सुन रहा था खूब एकदम मस्त। और कितनी शांति है यहाँ पे, बस चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। ऐसी चिड़िया कहाँ मिलेंगी यार, कहाँ मिलेंगी, मतलब दिल्ली में, नोएडा में, सब उड़ के दही यहाँ पे आ गई। तो गाइस, मैंने अभी इतनी गाड़ी भी पूरी साफ़ कर दी है, पूरी चमका दी गाड़ी मैंने। बहुत धूल मिट्टी हो गई थी तो गाड़ी मैंने पूरी चमका दी यहाँ पे। अभी पिछले 2 घंटे से मैं यहाँ पे हूँ, दो घंटे से यहाँ पे हूँ अपनी गाड़ी पर चमका के एकदम मस्त। अभी नीचे जाऊँगा, ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगा। अब ब्रेकफास्ट में मैंने क्या बनाया है वो आपको दिखाऊँगा। तो ये आज का व्लॉग, और जिन्होंने मेरा पहला व्लॉग नहीं देखा है वो भी आने वाला है, ठीक है। वो मैंने डाल दिया है। वो एक्चुअली नीचे थोड़ा 5G का नेटवर्क थोड़ा कम है, तो मैं ऊपर आता हूँ व्लॉग डालने के लिए। तो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे सारे व्लॉग देखो। ठीक है गाइस, तो ये है व्यू, चेक करो कितना प्यारा व्यू है। टफी क्या कर रहा है मैं आपको दिखाऊंगा। अभी टफी तो भाई बाहर ही निकल रहा है। टफी जो मेरे डॉगी है उसका नाम टफी है। तो अभी इनसे जाएंगे अभी हम, तो उसके बाद आपको दिखाऊंगा खाने में क्या बनाया मम्मी ने, और घर का भी कितना काम क्या चल रहा है वो आपको दिखाऊँगा ब्लॉग पे। तो चलते हैं नीचे, आपको मैं अभी ये वाटरफॉल दिखाता हूँ। अभी यहाँ पानी कम है बट पानी आ रहा है, तो मैंने वहीं पर अपनी गाड़ी धो दी थी। तो अभी इंचे चम जाएंगे, तो चलते हैं। आपको ये भी दिखाता हूँ, यहाँ का जो वाटरफॉल है, जो पानी आता है वो भी दिखाता हूँ। मैं हमेशा यहीं पर ही आता हूँ, बड़ा शांति मिलती है मैं यहाँ पर आके, सुकून। कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, ना तू तू चाय 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 कुछ नहीं। चलते हैं ब्लॉग पे, बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने अपना चैनल का नाम भी चेंज कर दिया है, तो मैंने उत्तराखंडी GSM ब्लॉग्स, जिनको मैं चैनल नहीं मिलता तो वो @ सर्च पे जाके उत्तराखंडी GSM ब्लॉग्स लिख सकते हैं, उनको मेरा चैनल फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। चलो गाइस, मिलते हैं आपको सीधा नीचे। और आपको मैं वाटरफॉल भी दिखाता हूँ, कैसा वाटरफॉल अभी है, कितना पानी अभी वाटरफॉल में आ रखा है। चलिए गाइस, हम पहुँच चुके हैं अपने वाटरफॉल पर। सामने मैंने गाड़ी लगा रखी है, ये देखिए गाइस, यहाँ पर बहुत पानी आता है। और अभी पानी थोड़ा कम है क्योंकि अभी सर्दी का टाइम है, तो यहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, तो पानी तब भी देख रहे हो पानी आ रहा है, ये देखो। तो गाइज, ये है इतना बड़ा वाटरफॉल है, पानी पूरा पानी बहता है ये गाइज, और यहाँ से नीचे पानी आता है। सो गाइज, चेक करो व्यू। मैं अपनी गाड़ी यहीं पर धोता हूँ जब भी आता हूँ, तो नीचे पर जंगल है, तो यहाँ से पानी पूरा नीचे होते हुए जाता है। सो गाइज, इससे ठंडी हवा आ रही है यहाँ पर, कितना अच्छा लग रहा है। जब मैं यहाँ पे आता हूँ ना, पानी का बहाव इतना तेज़ था यहाँ पे, जब मैं अभी लास्ट टाइम आया था अभी 2 महीने पहले, यहाँ बारिश हो रही थी और यहाँ धुंध थी यहाँ पे। जिन्होंने मेरे जो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो मेरे देख लें, तो मैंने वो दिखा रखा है कितना पानी उस टाइम था, और अभी का यहाँ पे इतना पानी कम हो गया, लेकिन पानी का आपको यहाँ पे सोर्स मिलेगा ही मिलेगा। सो गाइस, ऐसी शांति कहाँ मिलेगी बताओ यार। और अब चिड़ियों की आवाज़ भी आ रही, देखो ये देखो चिड़ियाँ उड़ रही हैं यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छी जगह है यार, काफ़ी सुंदर जगह है। तो अभी यहाँ से हम चलेंगे नीचे। तो गाइज, ये है अपना, जिसको नहीं पता, देखो चिड़िया बोरी, वो देखो, वो देख रहे हो बोरी, ये रही पानी पीने आते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा यहाँ पे खतरा एक चीज़ का भी होता है कि
क्योंकि जंगल है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे रहते भी होंगे जानवर, तो थोड़ा सा उससे हम बच के रहते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इस टाइम वो सोते हैं और रात को वो निकलते हैं शिकार पे। तो इसीलिए मैं भी इस टाइम आता हूँ और शाम को सीधे अंदर। अब आप जानते नहीं हो हम 7 बजे सो जाते हैं, 7-7.30 बजे सो जाते हैं, क्योंकि अंधेरा यहाँ पे 5:30 बजे हो जाता है। तो एकदम चलते हैं, ये पानी कहाँ से आ रहा है पता नहीं, इतना पानी आता है ऊपर से, इतने ऊपर से पानी आता है पूरा। तो अभी जब नेक्स्ट टाइम जब कभी आऊँगा यहाँ पे मानसून में, तब आपको दिखाऊँगा यहाँ पे कितना पानी आता है। तो गाइस हम चलते हैं नीचे, अभी नीचे मैंने खाना बना रखा, मम्मी का फ़ोन भी आया हुआ है, तो अभी हम चलते हैं नीचे, अभी खाना वाना खाएँगे। तो चलिए, और ठंडा पानी इतना है ना भाई, मतलब सोच सकते ठंडा पानी, इतना ठंडा पानी है मैं पाँव भी नहीं सकता, ठंडा पानी इतना है। तो अभी चलते हैं नीचे, तो जिनको आना है वो आ सकते हैं यहाँ पे उत्तराखंड, और उत्तराखंड में कहीं भी जाओ यार, यहाँ तो हमारा घर है, तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर भी हैं, तो अगर टाइम मिलेगा तो मंदिर भी होके आएंगे। और अभी कुछ टाइम प्लान बन रहा है कि मम्मी के वहाँ भी जाएंगे, तो वहाँ पे अम्मा भी हैं जिन्होंने वीडियोज़ देखी होंगी, अम्मा भी वहाँ पे हैं, तो अम्मा से मिलेंगे। तो चलते हैं अभी खाना खाने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए, मम्मी का फ़ोन भी आ गया, तो वहीं चल के बताते हैं मम्मी ने क्या बनाया खाने में आज। चलो गाइस मिलते हैं यहाँ पे सीधा अपने बागनी में। बस मैं नीचे आ रहा था तो यहाँ पे देखा मैंने कितना सुंदर व्यू लग रहा है, देखो वहाँ पे उस तरफ देख रहे होंगे वो हिमालय है, उस तरफ का पूरा हिमालय है, और व्यू चेक करो, धूप भी पूरी खिली हुई है मस्त एकदम। तो अभी फिलहाल हम चलते हैं नीचे, यहाँ पे एक्चुअली रोड काफ़ी अच्छी बन गई है, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे रोड काफ़ी अच्छी बन गई है एकदम मस्त। तो अभी नीचे भी रोड बन जाएगी तो हमारा अच्छा हो जाएगा जाने का, तो यहाँ पे भी रोड काफ़ी अच्छी बन गई है। और यहाँ पे पेड़ों में, जंगली पेड़ों में यहाँ पे हजार काफा लगते हैं, इसे वो तोड़ के मार्केट में बेचते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो नहीं उगती। गाइस कितना चमन कर रहा है कि ऊपर ही बैठ जाऊँ, तो ऐसी चीज़ें कहाँ मिलेंगी यार, हम ऐसी चीज़ देखने के लिए कहाँ कहाँ बाहर जाते हैं, हैं फॉरेन कंट्री निकलते हैं इतनी शांति के लिए, ऐसी जगह के लिए, यहाँ पे कहीं बैठ जाओ यार, खाना पीना खाओ, पिकनिक करो अपनी मस्त एकदम, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। इतनी ठंडी हवा चल रही है, मैंने एसी में चला रखा है अभी गाड़ी का, और ठंडी हवा चल रही है पूछो मत। अभी हम पहुंच चुके हैं घर में, और देखो मम्मी ने पूरा थाली भर के पता नहीं मम्मी ने क्या किया है, सब्जी है, दाल है, चावल है, और साथ में मूली है। सो गाइस हम यहाँ पे खाते हैं हाथ से खाना, कहीं जगह भी नहीं है कि कहाँ से खाऊँगा स्टार्ट करूँ। तो ये अभी मेरा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों है, क्योंकि ऊपर आते आते मेरे को टाइम बहुत लग गया था, तो अभी हम खाना खाएंगे और खाने का टेस्ट करके बताएंगे कैसा बनाया है। यहाँ का पानी बहुत डिफरेंट है इसलिए यहाँ पर टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होगा, सो लेट्स सी खा के बताते हैं। चम्मच से खाने का अलग है, इसका खाने का मज़ा अलग है, तो हाथ से खाने का देखते हैं कैसा मज़ा आता है। आप लोगों को पता होगा कि जो इनको बताया जाता है कि हाथ से ही खाना खाते हैं। तो गाइस यहाँ की मूली सब्जी कौन सी वाली, मूली के पत्तों की सब्जी है, मम्मी ने तोड़ के एकदम, वो दिखाऊंगा मैं आज मेरे ब्लॉग में, मम्मी ने कहाँ से तोड़ी हुई है और क्या क्या सब्जी उगाई हुई है, मूली वगैरह सब कुछ है। टू ये आ गया मटर भी, इसका भी खाना, इससे भी खाना खा चुका है, मैं ही रह गया, तब इतना खाना क्यों खाया पहले, हैं यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये देखो, हाँ हाथ से खाने का मजा अलग है यार। वाओ डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, मजा आ गया। तो गाइस कभी आप भी ट्राई करना, जो लोग पहाड़ आते हैं ना वो हाथ से खाना खा के देखना एक बार, अलग ही मजा आता है भाई, यहाँ का टेस्ट बिल्कुल अलग है यार। जैसे हम खाना खाते हैं अपने घर में, वह टेस्ट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मसाले कुछ है ही नहीं इसमें, तो खाना बहुत टेस्टी बनाया हुआ है, हरी सब्जी।
यहाँ पे कहते हैं कि पिज्जा पिज्जा खाने का मन नहीं करता, यहाँ पे चाहिए एक दफा खाना। चलो गाइस मैं खाना खाता हूँ, आपको मिलता हूँ मैं। मम्मी ने जाकर सब्जी उगाई हुई है, पापा ने, देखते हैं। चलो ठंडो पानी।